Zordar clapping Sister Lily ke liye again. Praise God. It's truly an honor to be here in the house of the Lord. मेरे लिए बड़ी खुशी की और बात है कि आज और आज मैं आप लोगों के दरमियान में खुदा की हुजूरी में हूं। I just truly want to acknowledge God, what a powerful God we serve. आज रात ये बताना चाहती हूं कि कितने जबरदस्त कुदरत वाले खुदा को हम जो है वो मानते और पूछते हैं। I want you to know our Jehovah Jireh, he's our Lord provider. वो जो यहोवा यरी है जो वो जो मुहैया करता है हमें उससे जानने की जरूरत है। Our El Shaddai, he's our God Almighty. वो जो El Shaddai खुदा है वो जो कादर मुतलक खुदा है। Our Jehovah Rapha. वो जो राफा खुदा है। The Lord that heals. वो जो शिफा देता है। Our Jehovah Tzaddiki, the Lord our righteousness. वो जो खुदा हमारी तसल्ली और चश्मा है, तसल्ली का चश्मा है। Jehovah Shalom, the Lord is our peace. वो जो यहोवा शालूम है, जो हमें तसल्ली देता है। Jehovah Shalom, the Lord of hosts. वो जो खुदाओं का खुदा है। वो जो कादर मुतलिक खुदा से बड़ा कादर मुतलिक है वो जो हमेशा से हमेशा तक खुदा है हम उस खुदा को मानते और पूछते हैं मैं आज रात सिर्फ ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा खुदा कितना कुदरत से भरा हुआ खुदा है He has it all. जो कुछ भी आज रात आपको चाहिए है वो उसके पास आपको देने के लिए है He is a powerful God. वो हमारा कुदरत से भरा हुआ खुदा है An anointed God. वो जो कुदरत से और मस्सा से भरा हुआ खुदा है The God has it all. जिसके पास सब कुछ है We are his children. हम जो उसके बच्चे हैं Ask and you shall receive. लिखा है मांगोगे और तुम्हें दिया जाएगा Trust him. उस पर भरोसा करें हालेलुया खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हालेलुया हम सब अपने कदमों पर एक लम्हे के लिए एक मिनट के लिए खड़े हों हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों थैंक यू जीसस यकीनन ये बहन ने जो अभी बात कही है बहुत छोटी सी बात है लेकिन अगर आज शाम आप में से कोई यहाँ पर बैठा हुआ इस बात के मुकाशफे को समझ जाए तो यकीनन ये बात आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है कि यहोवा यरी जो मुहैया करने वाला खुदा है यहोवा शालोम जो तसल्ली देने वाला खुदा है वो आज शाम आपके दरमियान है मेरी भाई मैसी से दरख्वास्त है कि वो आए उनके साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद यकीनन मैं खुदा के कलाम को आप सबके सामने रखूंगा लेकिन आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लें वो कुदरत का खुदा आपके दरमियान मौजूद है तसल्ली और तशफी का सरचश्मा यीशु मसीह आपके दरमियान मौजूद है वो जो कुदरत से भरा हुआ है वो जो अपने लोगों को छूना चाहता है बाइबल जिसके बारे में कहती है कि उसकी मोहब्बत कभी हमारे लिए नहीं बदलती बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो हर वक्त हमारी फिक्र करता है बाइबल में मसीह ने ये कह दिया है कि अपने सारे बोझ और अपनी सारी फिक्रें मुझ पर ला दो क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ आवाज शाम इस गीत को मिलकर और खुशी के साथ गाइएगा मुझे भाई बता रहे थे कि आपने पहले भी ये गाया है लेकिन लेट्स गिव वन मोर शॉट टू इट इसे फिर से गाते हैं और कहते हैं तसल्ली द चश्मा यहोवा यरी मैं चंद भी पुकारा वो सुनता मेरी और आज शाम वो हमारी सुनता आइए दुआ करते हैं आइए उसे पुकारते हैं
आप जब भी उसे पुकारेंगे वो आपकी आवाज को सुन लेगा, वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। यूं लिखे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब तक आप मांगते नहीं वो नहीं देगा। आइए उसे पुकारते सिखो रोबा सिखा रो रोबा आजादी के साथ दुआ कीजिएगा। मैं जब भी पुकारा चश्मा यहोवा यरी, मेरे साथ कहिएगा तसल्ली द चश्मा यहोवा यरी। ओ जरा रोकी तेरे को लिख आरिया, वो बीमारियां तो छुटके रहाई पा गया। बीमारियां तो छुटके रहाई पा गया, और आज बीमारियों से छूटने वाले हैं, रिहाई पाने वाले हैं। वो एक ही दफा छू लेता है और बीमारी से आजाद कर देता है। तू ते फजला देना, तू ते फजला देना, कहिएगा ओ तू ते फजला देना, अपने फजला देना, ओ दी चोली कहिएगा तसल्ली द चश्मा यहोवा यरी, तसल्ली द चश्मा यहोवा। सबकी आवाज आनी चाहिए यहोवा यरी, कहिएगा यहोवा। मौजूदगी के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं ए यहोवा यरी। आज रात हम अपनी निगाहों को तेरी तरफ बुलंद करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने कलाम को नासिल फरमाकर शिफा बख्शता है। तेरी कुदरत जो आज शाम देसर टाउन 35C के अंदर मौजूद है, ए बाप चाहता हूं कि हम सबके ऊपर आके ठहरे और रूहुल कुदस के उम्मीद तुझे बात तेरे लोग आज शाम करें। तेरी कुदरत और तेरी हुजूरी आज शाम तेरे लोगों के लिए हकीकत बन जाए बाप। तेरी मोहब्बत का गहरा तजर्बा तेरे लोग करें, तेरा बड़ा नाम जलाल पाए। आज शाम है बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब मिलकर कहिएगा आमीन। आए बाबा से बुलंद कहे हालेलुया। प्रैक्टिस को मैं अक्सर करता हूं, मैं आज शाम आपके दरमियान करना चाहता हूं। 5 सेकंड तक आपका हालेलुया इस फिजा में गूंजना चाहिए। कितने सेकंड के लिए मेरे साथ मिलकर कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे? 5 सेकंड के लिए आपका हालेलुया यहां फिजा में रहना चाहिए। हालेलुया बैठते हैं, सब अपनी जगहों पर बैठिएगा। मैं यकीनन खुदावन खुदा का शुक्र गुजार हूं, वो बड़ा मेहरबान खुदा है और आज शाम वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब बड़ी संजीदगी से अब बैठेंगे और खुदावन का कलाम सुनेंगे। आमीन। हम सब खुदावन का कलाम सुनेंगे।
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. اگرچہ آج شام آپ میں سے کوئی یہاں پر خدا کا تجربہ کرنا چاہتا ہے, اگرچہ آج شام آپ یہاں پر یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ کو اس کے کلام کو سننا پڑے گا اور بڑا دھیان اس کی طرف دینا پڑے گا, کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ کلام ہی کے وسیلے سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. کوئی ایماندار اس بات کو آج شام نہ سوچے کہ وہ خدا سے برکت پالے گا بغیر کلام کو سنے ہوئے, کیونکہ برکت صرف ایک چیز سے ہمیں ملتی ہے اور وہ سننے سے ہے, خدا کا کلام سننے سے. بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے, سب کہیے گا سننا مسیح کے. ایک حوالہ آج بائبل مقدس میں سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. رومیو کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا عام خط اور اس کا پانچواں باب اور اس کی ساتویں اور آٹھویں آیت, دو آیات آج کلام مقدس میں سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور زیادہ نہیں صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے میں چاہتا ہوں اپنے سارے دھیان کو خدا کے اس کلام کی طرف لگائیں جو زندہ ہے اور جو زندگی دیتا ہے. آمین. اسے سنیے گا, یہاں پر لکھا ہے کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا, مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. سب کہیے گا آمین. آمین. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج شام خدا کا کلام آپ سب کو برکت دے, اور یہ کلام آپ کی زندگیوں کے اوپر آج شام نقش ہو جائے. آج شام یہ کلام آپ کے گھروں میں آپ کے ساتھ جائے. میں آج شام دعا گو ہوں کہ یہ کلام آپ کی زندگی میں اس طرح سے تاثیر کرے جیسا شاید آج سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو, اور آج شام یہ کلام آپ کے لیے ایک نیا کام کرے. مسیح کی مصلوبیت, مسیح کی صلیب کا مکاشفہ آج شام آپ کی برکت کا وسیلہ بنے. میں آج شام خدا کے لیے, خدا سے اس بات کے لیے دعا گو ہوں کہ یسوع مسیح کی صلیب سے بہتا ہوا لہو یہاں پر جو کوئی بیمار ہے آج شام اسے شفا دے. اور میں اس بات کے لیے بھی دعا گو ہوں اگرچہ کوئی اپنی کسی بھی قسم کے بوجھ کے ساتھ اس گراؤنڈ کے اندر موجود ہے, تو خدا کا بیٹا یسوع اور اس کے نام کی قدرت آج شام آپ کی زندگی کے اندر کام کرے. لیکن اس کے لیے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے, ایک بات کا سمجھنا آپ سبوں کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اس کی محبت کا مکاشفہ, اس کی محبت کا سیکرٹ, ایک ایسا راز جو دنیا کی اقوام نہیں جانتی, ایک ایسا بھید جس سے آج بتھیرے لوگ دنیا میں ناواقف ہیں, ایک ایسا مکاشفہ جسے کئی سارے لوگ نظر انداز کر دیتے, جس کی وجہ سے کئی سارے لوگ بیمار ہیں, کئی سارے لوگ فالج کے مریض ہیں, کئی سارے لوگ کینسر کے مریض ہیں, کئی سارے لا علاج بیماریوں کے مریض ہیں, کئی سارے گناہ کے مریض ہیں, کئی سارے کوڑ کے مریض ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مکاشفہ کئی سارے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے, اور وہ لوگ کوئی بھی ہوں, وہ کسی بھی قوم سے, کسی بھی قبیلے سے, کسی بھی مرتبے فکر سے ہوں, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, اگرچہ آج شام یہ ایک بات کا مکاشفہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کرسچن ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوں لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں دکھ اٹھا رہے ہوں. ہو سکتا ہے آپ کرسچن ہوں, مسیح ہوں, ایماندار ہوں لیکن پھر بھی زندگی میں دکھی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج شام آپ کرسچن ہوں, ایماندار بھی ہوں, بپتسمہ یافتہ بھی ہوں, غیر زبان بھی بولتے ہوں لیکن پھر بھی ڈپریشن کے اندر ہوں, پھر بھی کسی نہ کسی گناہ کی دلدل میں ہوں,
हो सकता है आज शाम आपको खुदा की बहुत ज्यादा जरूरत है और आज शाम आप यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आज आपको सच बताना चाहता हूं कि ये एक बात आपकी जिंदगी को 100% बदल के रख देगी और वो खुदा की मोहब्बत है, एक ऐसी मोहब्बत जो दुनिया में कोई हमसे नहीं कर सकता, ना कर सका है, ना करता है, ना कर पाएगा। ये मोहब्बत मियां बीवी की मोहब्बत से बढ़ के है, ये मोहब्बत दुनियावी माँ बाप की मोहब्बत से बढ़ के है, दोस्तों की मोहब्बत से बढ़ के है, रिश्तेदारों की मोहब्बत से बढ़ के है, और ये मोहब्बत आसमानी बाप की मोहब्बत है। ये ऐसी मोहब्बत है जो हमसे कोई कर ही नहीं सकता, किसी एक स्पेशल बंदे से नहीं। हमारे घरों में अक्सर औकात हम किसी एक बच्चे को थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आज शाम मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूं उस मोहब्बत में हर एक बंदा एक जैसा है। मेरे साउंड ऑपरेटर भाई हो, पादरी साहब हो, एमोबशर साहब हो, यहाँ पर बैठी हुई कोई बहन हो, सामने बैठा हुआ कोई बच्चा हो, पीछे बैठा हुआ कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये मोहब्बत सबके लिए एक जैसी है क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है। और इस मोहब्बत के अंदर कोई लालच नहीं है, इस मोहब्बत के अंदर घमंड नहीं है, इस मोहब्बत के अंदर तकबर नहीं है, इस मोहब्बत के अंदर डिमांड नहीं है कि तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तू मेरे लिए ऐसा कर तो मैं वैसा कर दूंगा। ये गैर मशरूत मोहब्बत है जिसकी खूबी बाइबल कहती है कि खुदा ने हम पर ऐसे जाहिर की है, खुदा ने अपनी मोहब्बत को हमें दिखाया है। सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, इस बात को सुन ले अच्छा, खुदा ने सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, खुदा ने आपको अपनी मोहब्बत दिखा दी है। अगर आज शाम यहां पर कोई ऐसा बैठा है जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है तो इस बात को सुन ले, बाइबल कहती है कि खुदा एक ऐसा बाप है जो जिसके पास बाप नहीं खुदा उसका भी बाप है। अगर आप टूटे दिल के साथ यहां पर बैठे हैं तो याद रखें वो आपका बाप है। अगर आप जिंदगी में अफसुर्दा यहां पर बैठे हैं तो याद रखें वो आपका बाप है। और बाइबल कहती है कि तुम बुरे हो और तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, लेकिन सोचो कि तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्यों करना देगा। एवरीथिंग, हर एक शय जो इस दुनिया में आप देखते हैं, ये सारी चीजें खुदा ने आपके लिए रखी हैं, और फर्क बस इतना है कि शायद अब तक खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत का तजर्बा आपने नहीं किया, लेकिन आज शाम मैं दुआ कर रहा हूं कि आसमान खुले और इस ग्राउंड पर खुदा की मोहब्बत की बारिश हो और हम सब उस बारिश में आज शाम भीग के यहां से जाएं और एक नया तजर्बा लेकर आप शाम आज शाम यहां से जाएं। मैं उस मोहब्बत की आज शाम आपसे बात कर रहा हूं जो खुदा ने मुझसे की है, और उसने ये देख के नहीं की कि यह बंदा बड़ा दुआया जाए, उसने ये देखकर हमसे मोहब्बत नहीं की कि बंदा साउंड ऑपरेटर बड़ा अच्छा दे, उसने ये देख के भी मोहब्बत नहीं की कि भाईजान बड़े सोने लग दे जे, उसने ये देख के भी मोहब्बत नहीं कही कि सिस्टर लिली लिली जड़ी और यूएसए तो आई है तो ज्यादा चंगी है। बाइबल कहती है कि जब हम गुनाहगार थे, जब हम कुछ नहीं थे, जब हम निकम्मे थे, जब हम नकारा थे, जब हम मसीह के मुनकर थे, जब हम उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे, जब गुनाह की दलदल में थे, जब अपनी खुदी के दलदल के अंदर धसे हुए थे, खुदा का इनकार करते थे, तब खुदा ने हमसे मोहब्बत जाहिर की। और मोहब्बत कैसी जाहिर की है? मोहब्बत मैंने कहा सिर्फ की नहीं है, ऐप लेके चिना रहे हो कि झूठी सी, इस भलेखे च भी ना रहे हो कि खाली आसमान की हद तक महदूद रही। ऐसी मोहब्बत नहीं कि खुदा आसमान पर बैठा रहा और जमीन पर आपको देखता रहा। बाइबल कहता है, कहती है ऐसी मोहब्बत की कि आसमान का सीना फटा और रूह कुदस जमीन पर नाजिर हुआ, मुकद्दस मरियम के पास गया और कहने लगा तू हामला होगी और तू बेटा जनेगी। उसकी मोहब्बत आसमान तक नहीं रहेगी, उसकी मोहब्बत फरिश्तों तक नहीं रहेगी, उसकी मोहब्बत नूरों तक नहीं रहेगी। कहता है आसमान की मोहब्बत का जायका जमीन का हर बंदा चखेगा, और बाइबल कहती है उस वक्त में चखेगा जब तू गुनाहगार होगा, जब तू
تلاش کھیل کے وقت ضائع کرتا ہوگا, جب تو نشے میں اپنی جوانی اڑا رہا ہوگا, جب تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا, بائبل کہتی ہے اس وقت تیرا باپ تیرے پاس آئے گا اور کہے گا بیٹے میرے پاس آ جا, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, I so love you, میرا دل تجھ سے لگا ہوا ہے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میرے پاس آ, دنیا میں وقت ضائع نہ کر, یہ دنیا تجھے مار دے گی, یہ دنیا میں ابلیس بائبل کہتی ہے کہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ کب کس کو پھاڑ کھائے, لیکن بائبل کا خدا کہتا ہے کہ میری محبت کے دائرے کے اندر آ, میری محبت کے زمرے میں آ جا, اس کے اندر تو محفوظ رہے گا, اس کے اندر دنیا کے لوگوں کی باتیں تجھے کچھ نہیں کریں گی, اس محبت کے دائرے کے اندر لوگوں کی نظریں تجھے نہیں لگیں گی, اس محبت کے دائرے کے اندر جہنم کے ابلیس بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ خدا کی محبت ہے جس کے اندر 100% انشورنس پالیسی ہے, اشورنس ہے کہ کدی نہیں مرو گے, تم مر بھی جاؤ گے تو نہیں مرو گے. بائبل کہتی ہے کہ وہ محبت جب دنیا میں آئی تو اس محبت کو یسوع کہہ کر دنیا نے پکارا, اس محبت کا نام یسوع ہے جو خدا نے ہم سے کی ہے, یہ محبت شخصیت ہے اور اس محبت کو جو کوئی لیتا ہے خدا اس پر مہربان ہو جاتا ہے, خدا تو اڑے تے ڈلے نہ ڈلے وہ اپنے بیٹے یسوع کے نام پہ ڈلتا ہے, ارے وہ فدا ہو جاتا ہے اپنے بیٹے یسوع کے نام پر, اس کے نام سے بدروئیں بھاگ جاتی ہیں. جب آپ خدا کی محبت کے اندر محفوظ ہوتے ہیں آپ کا گھر بدروؤں سے پاک, آپ کی زندگی بدروؤں سے پاک, نہ پاکی سے پاک, نہ چاکی سے پاک, زوال سے پاک, اور 100% اشورنس آسمان کی آپ کو مل جاتی ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے سوال, یہ اکثر اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ خدا صرف پادریوں سے پیار کرتا ہے, یا شاید خدا صرف مبشروں سے پیار کرتا ہے, یا خدا چرچ میں بڑے ایکٹیو لوگوں سے پیار کرتا ہے, یا خدا صرف ان خدمت گزاروں سے پیار کرتا ہے جو یہاں پر ہے, یا شاید خدا اس بندے سے پیار کرتا ہے جو بڑا دعائیا ہو, جو بڑے روزے رکھتا ہو. لیکن آج شام میں آپ کو انجیل سنا رہا ہوں اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک گناہگار سے پیار کیا ہے, ہر اس بندے سے جو مفلوج ہے, گناہ کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہا ہے. اگرچہ آج شام یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی ایسا ہے جو میری آواز سن رہا ہے اور آپ اپنی زندگی میں دکھ اٹھا رہے ہیں, گناہ سے, بدی سے, بیماری سے, لاچاری سے, غربت سے, زوال سے, بے اولادی سے, ڈپریشن سے, بلڈ پریشر کا دکھ اٹھا رہے ہیں, تو میرے پاس آج شام آپ کے لیے خوشخبری ہے, اور خوشخبری یہ ہے کہ آج شام خدا کی حضوری میں گھٹنا ریز ہو جائیں, اس کی محبت کو آج شام اپنے لیے لیں, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. کیا آپ آج شام اس کی آواز سن نہیں رہے؟ کیا آپ آج شام کلام سن نہیں رہے؟ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی بیٹے میرے پاس آ جا, اپنی پہلی محبت کے پاس آ, یہ دنیا تجھے کھا جائے گی, یہ دنیا تجھے مار دے گی, اس دنیا کے اندر ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑ رہا ہے, لیکن تجھے میری ضرورت ہے, اگرچہ تو میرے پاس نہ آیا تو تو مارا جائے گا, تجھے محفوظ ہونے کی ضرورت ہے, یہ محبت تیرے لیے ہے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں نے تیرے لیے اپنا بیٹا دے دیا ہے, آسمان کی سب سے خوبصورت چیز. آسمان اکثر اوقات عالم دین اس بات کو کہتے ہیں کہ جس دن یسوع مسیح اس دنیا میں آیا آسمان خالی ہو گیا, ریزن یہ ہے کہ آسمان کا سب کچھ تو یسوع نام سے ہے, یسوع کے نام پر بائبل کہتی ہے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے, یسوع کے نام سے معجزے ہوتے ہیں, یسوع کے نام سے لوگ آزاد ہوتے ہیں, اس آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز میں یسوع 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 بسا ہوا ہے, اور بائبل کہتی ہے کہ تمہیں بھی یسوع کی ضرورت ہے, آج شام تمہیں یسوع کی بڑی ضرورت ہے, آپ جوان ہیں, آپ بڈھے ہیں, آپ بچے ہیں, آپ کی عمر کوئی بھی ہے, آپ کی ذات کچھ بھی ہے, آپ کا رنگ کالا گورا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو یسوع کی ضرورت ہے, آپ کو یسوع کی ضرورت ہے.
जिंदगी में दुख उठा रहे हो, यीशु की जरूरत है। खुशी मना रहे हो, फिर भी यीशु की जरूरत है। कलाम में मैंने आपके लिए पढ़ा है, इसे कह के मैं खत्म कर रहा हूं। हम आपके लिए दुआ करेंगे और आज शाम खुदा का पाखरू आपको नए तौर पे छुएगा। लेकिन इसे सुन ले, कलाम में लिखा है अगर तुम दुनिया को देख रहे हो और दुनिया से मदद दरियाफ्त कर रहे हो, अगर ये सोचते हो कि दुनिया में कोई बंदा आएगा और कहेगा एलो जनाब मैं तुम्हारी मदद करना वहां, तो तुम गलत सोच रहे हो, गलत सोचते हो। बाइबल में लिखा है कि कौन है जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे, कौन है जो तुम्हारे लिए अपने सर पे कांटों का ताज पहन ले, कौन है जो तुम्हारे लिए अपने हाथ और पैर पर कील लगवा ले, कौन है जो तुम्हारे लिए अपनी पसली पर नेजा खा ले, कौन है जो तुम्हारे लिए अपनी दाढ़ी नोचवा ले, कौन है जो तुम्हारी खातिर अपने मुंह पर थुकवा ले। कलाम में लिखा है कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मैं आपके लिए नहीं कर सकता, जाओ एडी बड़ी गाल के ना, आई कांट डू दिस फॉर यू, नो बडी कैन डू इट। लेकिन शुक्र करे आज शाम यीशु का कि उसने मेरे लिए ये किया है, उसने आपके लिए ये किया है। और आज शाम इस बात को याद रखे, बाइबल में लिखा है लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए क्या हुआ। सब बोलो भाई क्या हुआ, मसीह हमारे लिए क्या हुआ। जिन्होंने जड़े चौकने उन्होंने नहीं मरिया, सब बोलो क्या हुआ। मसीह हमारे लिए उस वक्त हुआ जब हम गुनाहगार ही थे, जब आप निकम्मी हालत। अगरचे आज शाम यहां पर कोई ऐसा बैठा है, मैं पाखरू की तहरीक को महसूस कर रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुने, अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने आप को बड़ा गुनाहगार समझता है तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु आपसे प्यार करता है। अगरचे आप अपने आप को इस मोहल्ले का सबसे बड़ा ताश खेलने वाला समझते हैं तो याद रखें यीशु आपसे प्यार करता है और आज शाम वो आपको अपने पास बुला रहा है। वो कह रहा है कि जिंदगी के बोझों से अगर तंग आ गया है, अगरचे तू समझ रहा है कि ये बोझ उठाने के लिए अब तेरे कंधे कारगर नहीं हुए, अगरचे अब तेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा, तो घुटना रेस हो जा, क्योंकि कलाम में लिखा है आसमान जमीन जमीन के नीचे हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे झुकता है। और आज शाम आपकी जिंदगी की बरकतों का जो राज है, आज शाम जो आपकी आजादी का राज है, वो यही है कि आप मसीह के सामने घुटना रेस हो जाएं और अपने दिल में आज शाम इस बात का इकरार कर ले कि खुदावन ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी ताकत से अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता, खुदावन मैं अपनी ताकत से अपने घर के अखराजात नहीं उठा पा रहा, खुदावन मैं अपनी ताकत से तेरी हजूरी नहीं ले पा रहा, मैं रूहानी तौर पे तरक्की नहीं कर पा रहा, हर एक काम के लिए आज शाम यीशु मुझे तेरी जरूरत है। बाइबल कह रही है कि खुदा की मोहब्बत हम पर इसी से जाहिर हुई है और आज शाम खुदा की मोहब्बत आपको छुएगी। आप चाहते हैं खुदा की मोहब्बत आपको छुए? You want that? आप चाहते हैं? मैं दुआ करूं कि आज आप सब उसकी मोहब्बत का तजर्बा करें, नए तौर पे तजर्बा करें। और आज शाम यीशु मसीह आपके लिए ऐसा ना हो कि वो दूर आसमान पे है। आज शाम मैं दुआ करूं कि यीशु मसीह आज शाम आपको यहां यहीं पर इसी चटाइयों पर छुएगा और यहां पर आप उसका तजर्बा करेंगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत अब आसमान पर सिर्फ नहीं है बल्कि उसकी मोहब्बत जमीन पर है। इससे ज्यादा मोहब्बत कौन किससे करेगा? इस बात को कभी आपने सोचा है कि जिस दिन रूहुल कुदस जमीन पर आया, बाइबल में लिखा है लोग गैर जुबाने बोलने लगे। कभी आपने यह सोचा है कि यह जमीन जिस पे उर्दू अंग्रेजी फ्रेंच और जर्मन बोली जाती थी, इस जमीन को खुदा ने आसमान की बोली दे दी है, आसमान की बोली इंसानों की बोली बन गई है, आसमान की बोली इंसान। अरे उसने सब कुछ आपके लिए दे दिया है। आए अपने कदमों पे खड़े, लेट्स स्टैंड ऑन आवर फीट टुनाइट, लेट्स गिव प्रेज़ टू द लॉर्ड। आए खुदा उनकी तमजीद करें आज शाम।
और मैंने जैसा कहा सो मैं कह रहा हूं कि उसकी मोहब्बत की खूबी आज शाम आप पर इसी तरह से जाहिर होगी कि अगरचे आप गुनाहगार हैं तो जान रखे कि मसीह आपके लिए मुआ उसकी सलीब मोहब्बत का निशान है। हाँ लोगो ए दुनिया दे लई दिल जेड़ा बनया हुंदा है ओ मोहब्बत का निशान है, लेकिन हम ईमानदारों के लिए वो कोड़ों की मार मोहब्बत का निशान है। हम ईमानदारों के लिए वो जिल्लत मोहब्बत का निशान है। हम ईमानदारों के लिए मसीह का खून शिफा का ऐलान है। हमारे लिए उसकी स्लीप मोहब्बत का निशान है। और अगर चे आप में से कोई भी यहां पर है जो ईमानदार नहीं, मैं फिर भी कहता हूं कि यीशु आपसे प्यार करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप कोई भी हैं, यीशु आज शाम आपसे प्यार करता है। अपनी आंखों को बंद कर ले। मेरे भाई जो कीबोर्ड पर थे, मैं उन्हें भी चाहता हूं कि वो भी आ जाए। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, रबुल अल्फाज की तरफ बुलंद करें, जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, जिसने अपनी मोहब्बत की खूबी आप पर क्यों जाहिर की कि जब आप गुनाहगार ही थे तो मसीह आपके लिए मर गया, मसीह आपके लिए मुआ, मसीह की मोहब्बत आज शाम आपके लिए हकीकत है। ओ ग्लोरी जीसस, रिको बोरो शाखा बाबा बा। आज शाम कोई दुआ मत कीजिएगा मां सवाय इसके, खुदा से कहे खुदावंद आज शाम मैं तेरी मोहब्बत का तजर्बा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस योर लव टुनाइट। आई वॉन्ट टू गेट क्लोजर, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं।